नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पोवर 6 प्रो 5G वर्सेस Realme P1 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 6 Pro 5G में 6.52 इंच जबकि P1 Pro 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 6 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 6 Pro 5G में 3 इंच जबकि P1 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 6 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 6 Pro 5G में 0.31 इंच जबकि P1 Pro 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 6 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 6 Pro 5G में 195 ग्राम्स जबकि P1 Pro 5G में 184 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 6 Pro 5G में AMOLED जबकि P1 Pro 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 6 Pro 5G में 20:3:9 जबकि P1 Pro 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6 Pro 5G में 6.78 इंचेस जबकि P1 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 6 Pro 5G में 1080x2460px FHD जोल और P1 Pro 5G में 1080x2412px FHD जोल मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 6 Pro 5G में 86.8% जबकि P1 Pro 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 6 Pro 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि P1 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 6 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और P1 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 6 Pro 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और P1 Pro 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 6 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और P1 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 6 Pro 5G में माली G57MC2 जबकि P1 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 6 Pro 5G में MediaTek Dimensity 6080 और P1 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो 6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि P1 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 6 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि P1 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 6 Pro 5G में अप टू 1TB जबकि P1 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 6 Pro 5G में 6000 mAh जबकि P1 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है।
आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 6 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹19,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹17,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें P1 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹21,999, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹20,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो पावर 6 प्रो 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं रियलमी P1 प्रो 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में 6 प्रो 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में P1 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 20 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A25 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी M15 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G0 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।